नमस्कार, हूँ बीरेन ने आप जोई रहा छो स्पार्क टुडे न्यूज। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स द्वारा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ની 132મી જન્મ જયંતિ અનોખી રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી છે। 14 એપ્રિલ 2023 ભારત રત્ન બાબા સાહેબ આંબેડકર 132મી જન્મ જયંતિ હોય તે જ નિમિત્તે સાંજે 5 થી 8 ઇન્ફોસિટી ક્લબ રિસોર્ટ ગાંધીનગર ખાતે જ હ્યુમન રાઇટ્સ અને સોશિયલ જસ્ટિસ પર નેશનલ કોન્વોકેશન યોજાયું છે। ભારતીય બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકર સમર્પિત પ્રસંગોમાં તમામ રાજ્યો અને યુટીએસમાંથી જ પીએફએચઆરના સભ્ય પ્રતિનિધિઓ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપી ત્યારે હ્યુમન રાઇટ્સ અને સોશિયલ જસ્ટિસ પર તેઓનો વિચારોનું યોગદાન આપ્યું હતું। આ પ્રસંગે જીતેશભાઈ મકવાણા, ગાંધીનગરના માન્ય મેયર ભાવનાબેન દવે, માન્ય પૂર્વ સંસદ સભ્ય, ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા તેમજ શ્રી રમણલાલ વોરા, ધારાસભ્ય ગુજરાત અને પૂર્વ સ્પીકર મંત્રી શ્રી નરેશભાઈ રાવલ, માન્ય પૂર્વ ગૃહમંત્રી ગુજરાત સરકાર અને વરિષ્ઠ ભાજપ નેતા શ્રી રાજુ પરમાર, પૂર્વ સંસદ સભ્ય શ્રી વિજય કેલ્લા, માન્ય પૂર્વ ધારાસભ્ય વરિષ્ઠ ભાજપ નેતા તેમજ માન્ય અધ્યક્ષ શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ, ભૂતપૂર્વ અધિક જિલ્લા ન્યાયાધીશ અને પ્રોગ્રેસિવ ફાઉન્ડેશન ઓફ હ્યુમન રાઇટ્સ હાજર રહ્યા હતા। સાથે જ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓના વિશાળ મેળાવડાનો આશીર્વાદન અને માર્ગદર્શન સાથે જ પ્રસંગને બિરદાવ્યો હતો। અમર સહિલ દ મંગલ પાંડે પર એવોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ આ અવસરે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓના સંબોધિત ક્ષેત્રોમાં સમાજમાં તેઓનું અમૂલ્ય યોગદાન છે। તેની સાથે જ ઉલ્લેખનીય છે કે માનવજાતિના માનવ અધિકારો તમામ પ્રકારના ઉલ્લંઘન સામે લડત આપતા સામાજિક અને ન્યાયની ડિલિવરી અને બહાદરી પણ આપેલ છે। ત્યારે ભારતના બંધારણ હેઠળ અને માનવ અધિકાર અંગેના યુનાઇટેડ નેશન્સ ચાર્ટર હેઠળ પ્રમુખ શ્રી રાકેશ પાંડેના માર્ગદર્શન હેઠળ જનતામાં સરકારી નીતિઓ અને સામાન્ય માનવી પર તેની અસર વિશે પીએફએચઆર પરિવારમાં જાગૃતિ લાવવા જ માં આવી હતી। આ પ્રસંગે પીએચએફઆરએ આદરણીય પ્રયોજકો, સમર્થકો અને શુભેચ્છકોનો આભાર માને અને તેમના અમૂલ્ય સમર્થનને સ્વીકારે છે। સાથે જ યોગ દિવસ, આતંકવાદ વિરોધ દિવસ, આરોગ્ય દિવસ, રક્તદાન શિબિરો, સેવ ગર્લ ચાઇલ્ડ ડ્રાઈવ, સ્ત્રી અને પુખ્ત સાક્ષરતા ડ્રાઈવ વગેરેનું આયોજન પણ આ સંસ્થા દ્વારા કરવામાં આવે છે। સબસે પહેલે તો મેં આજ બાબા સાહેબ ભીમરાવ આંબેડકરજીની જયંતિ કે અવસર પર મેં જય ભીમ બોલુંગા और यहाँ शुरुआत करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि हमारा ये कारवां सन 2000 लगातार हम यहाँ सेमिनार करते जा रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में करते जा रहे हैं और आज इन्फोसिटी रिजॉर्ट क्लब में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ पर हमारे मेयर श्री हितेश भाई मकवाना साहब मौजूद हैं जो दरेक व्यक्ति के लिए समाज में, चाहे किसी भी वर्ग का हो, उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं और जहां भी उनको जहां भी बन पड़े समाज के लिए, ये बगैर मेयर प्रोटोकॉल के भी चिंता किए लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं। यही एक बाबा साहब के द्वारा सिखाई गई है जो धरोहर है वो पता चलती है हितेश भाई के द्वारा कि जमीनी स्तर के नेता हैं जो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही में भावना बहन दवे जी, इनके बारे में तो जो कहूँ मैं बहुत कम होगा क्योंकि भारत 2000 में मैं बहन से मिला था, तब महिला में अध्यक्ष थी और सांसद रह चुकी हैं, मैं प्रथम मेयर रह चुकी हैं अहमदाबाद। ये बहुत बड़ी अभूतपूर्व बात है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान ने जो अधिकार दिए हैं हमको, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, इनको किए बगैर कोई भी सांसद लगातार लोगों के बीच में नहीं रह सकता और बिना इन संस्कारों को निभाए हुए कोई भी सांसद एक जनप्रतिनिधि नहीं बन सकता। लेकिन आज भावना बहन दवे, इन्होंने जो कार्य आज भारतीय जनता पार्टी आज आई है, मोदी जी का युग अभी आया 2000, उससे भी पहले इनके द्वारा जो है लगातार ये समाज के अंदर कार्य क्षेत्र चलते रहे हैं और दरेक वर्ग की लगातार जो है इन्होंने हमेशा मदद की है और जहाँ पर भी, जिधर भी, जिसको भी लगा भावना बहन दवे ने तहे दिल से जो है दुनिया की मदद में आगे बढ़ी। आज ये हमारे इस मंच पर हैं, ये भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कार्य करके हमारे बीच में मौजूद हैं और इतनी बड़ी हस्ती आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर मौजूद है, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनका। साथ ही में राजू भाई परमार जी, जो 2 से 3 बार राज्यसभा से सांसद रह चुके, कोई मजाक बात नहीं है,
राज्यसभा से होना तो बहुत ही नामुमकिन सा होता है, आयोग के अध्यक्ष और आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं और जमीनी नेता भी रहे हैं। भारत रत्न विश्व विभूत डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने आज 132वीं जन्म जयंती विश्वनो सौथी मोटू न सौथी तंदुरस्त न श्रेष्ठ बंधारण ना घड़वैया डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर एमने जे बंधारण घड़ू ए आज बीजा देशों पर आज एने फॉलो करे दरेक वातनी सावचेती आ बंधारण में राखवामां आवी छे अने बंधारणनी ताकतथी ज आज आपणो देश आज विश्वगुरु तरफ आगळ वधी रह्यो छे। लोको शिक्षित बने संगठित बने आ बाबा साहेबना मूळ मंत्र हता। आजे बाबा साहेब आंबेडकर जी नी जन्म जयंति निमित्ते आज आपने जणावता मने आनंद थाय छे के राज्य सरकार अने केंद्र सरकार बाबा साहेब ना नाम उपर अनेकविध योजनाओ अत्यारे चाली रही छे, पर एनी साथे साथे मारो गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पण आज अमे कॉर्पोरेशन तरफ थी बाबा साहेब आंबेडकर नी जन्मजयंती निमित्ते महत्वनी बे जाहेरातो करी छे। अमे आजे अमारा त्यां रंगमंच लग्नवाड़ी अने पार्टी प्लॉट अमारा कॉर्पोरेशन एरिया में अमारी पासे जे छे ए अमे कोई ने सामाजिक प्रसंगे धार्मिक प्रसंगे लग्न प्रसंगे अमे भाड़े आपता होईए छीए। आजे अमे नक्की कर्युं छे के बीपीएल कार्ड धारक होय बीपीएल यादी में जे लोको आवता होय एमने ए भाड़ा में 10% वर्तर डिस्काउंट की अमे आज जाहेरात करी। एना सिवाय 14 एप्रिल बाबा साहेब आंबेडकर जी जन्मजयंती उजवणी कोई पण व्यक्ति कोई पण धार्मिक संस्था कोई सामाजिक संस्था 14 एप्रिल ना दिवसे बाबा साहेब आंबेडकर की जन्मजयंती उजवा मांगता होय एमने लग्नवाड़ी रंगमंच के कोई पण पार्टी प्लॉट एक रुपये पर फी लीधा वगर निःशुल्क आपवानी जाहेरात आज कॉर्पोरेशने करी। आभार।